दोस्तों ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने मोटोरोला G60 और G52 का पूरा कंपैरिजन किया हुआ है। अपने सब्सक्राइबर्स को मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले G52 को देखें तो स्टाइल के मामले में काफ़ी अच्छा लगता है ये फ़ोन, लेकिन मोटोरोला G60 ये उतना तो स्टाइलिश नहीं है, लेकिन काफ़ी मामलों में बीट करता है हमारे G52 को। देखेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको पहली चीज़ बताऊं, प्राइस के रेंज में यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। 16500 का G52 है और ये वाला 15000 रुपये का है, और 6GB रैम वाले वेरिएंट की बात हो रही है। बाकी बता दूं, मोटोरोला ऐसी कंपनी नहीं है कि एक ही प्राइस रेंज में एक जैसे फ़ोन लॉन्च करती है, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। पहला डिफरेंस तो गेमिंग का है, BGMI के अंदर स्मूथ के ऊपर हाई और HD का सपोर्ट ही नहीं है G52 के अंदर, गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला G60 की बात करूँ तो इसके अंदर HD हाई का भी सपोर्ट है और स्मूथ अल्ट्रा का भी, BGMI के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो गेमिंग के लिए दोस्तों G60 ही लेना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि UI आप देख सकते हो G52 का काफ़ी अच्छा लगता है, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नहीं लगता। और दूसरी चीज़ डिस्प्ले इसकी दोस्तों G60 से काफ़ी बेहतर है, इसके अंदर OLED स्क्रीन है और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट है। वहीं हमारा जो मोटोरोला G60 है दोस्तों धूप में उतने अच्छे से दिखता भी नहीं है। और दूसरी बात करूँ इस G60 के, तो डिस्प्ले नॉर्मल सी है, HD डिस्प्ले है बस। बाकी कैमरा इसका अच्छा है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको N22 बेंचमार्क स्कोर बता दूं, तो G52 का N22 बेंचमार्क स्कोर तो काफ़ी अच्छा आता है, 2,75,000। और वहीं हमारा जो मोटोरोला G60 है उसका शुरू में 3.5 लाख आता था, बाद में 2,40,000 के करीब आने लगा। लेकिन इसके ऊपर मत जाना, गेमिंग के लिए नो डाउट G60 जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है, G52 गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ। वहीं G52 के अंदर जो अच्छी बात यह है कि इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ऊपर भी एक स्पीकर है नीचे भी एक स्पीकर है। वहीं मोटोरोला G60 में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे केवल एक सिंगल स्पीकर दिया गया है। बाकी आपको मैं ओवरऑल कंपेयर करके बताऊं तो डिस्प्ले के मामले में हमारा जो G52 है वो जीतता है, और G60 की जो डिस्प्ले है वो G52 से थोड़ी कम अच्छी है, उतनी अच्छी नहीं है। बाकी आपको मैं कैमरे के बारे में बताऊं तो मेगापिक्सल के ऊपर भी G60 जीतता है, और इसके अंदर आप 4K शूटिंग भी कर सकते हो, 4K वीडियो शूट कर सकते हो G60 के अंदर। तो कैमरे के डिपार्टमेंट में मोटोरोला G60 जीता है। बाकी आपको वेट और स्टाइल के बारे में बताऊं तो स्लिम वगैरह काफ़ी अच्छा है, G52 हल्का फ़ोन है, G60 थोड़ा सा हैवी और मोटा सा फ़ोन लगता है। दोस्तों ये मोटोरोला का G60 इसके बारे में मैं सब कुछ बताने वाला उस वीडियो में, क्योंकि इसको एक साल से ऊपर हो गया, इसको कैमरा यूज करते करते और चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके कमेंट में जाओ अगर आपको गेमिंग पसंद है, तो इसकी तरफ जाओ। बाकी ओवरऑल मैं अपना कंक्लूजन बता देता हूँ, डिस्प्ले, साउंड और बैटरी, ये तीनों चीज़ें दोस्तों मोटोरोला G52 में अच्छी हैं, क्योंकि बैटरी दोस्तों इसके अंदर G52 के अंदर 5000mAh की है, और वहीं दोस्तों 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है G52 के अंदर, वहीं नॉर्मल सी चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है G60 के अंदर। दूसरी तरफ G60 के अंदर 6000mAh की बैटरी है, लेकिन मोटोरोला G60 आपको लेना चाहिए अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए, क्योंकि G52 के अंदर 5G नहीं है। 5G, गेमिंग और कैमरा, इन तीन चीज़ के लिए दोस्तों G60 काफ़ी अच्छा है। मैंने अपना कंक्लूजन बता दिया। एक फ़ोन और सजेस्ट करूंगा, वीवो का T1 5G, मेरा पर्सनली फेवरेट फ़ोन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, इसका रिव्यू का लिंक है, मैंने इसको रिव्यू कर रखा है इस फ़ोन को, आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। बाकी मोटोरोला G60 के ऊपर बहुत सारी वीडियोज है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे फ़ोन से इसको कंपेयर भी किया हुआ है, उन सबको भी आप देख सकते हो अच्छे से जाके। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, अपने सब्सक्राइबर्स को मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। चैनल प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले किसी काम के अटैक की वीडियो में।